नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। रंका रघुनाथ अखाड़े से रामनवमी पूजा समिति की ओर से मोटरसाइकिल जुलूस निकाले गए। सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल जुलूस रंका रघुनाथ अखाड़े से खरडीहा बाबा बजनवा बजरंग बली मंदिर रवदा मझीगावा छोटकी रंका हुरदाग सलैया रंकी गणदेवी मंदिर आदि गाँव में मोटरसाइकिल जुलूस घुमाए गए। मोटरसाइकिल जुलूस में भगवा झंडा से मोटरसाइकिल पटा हुआ था। भगवा झंडा के साथ साथ तिरंगा झंडा भी शामिल था। लोग जय श्री राम के गगनभेदी जयकारे लगा रहे थे, साथ में भारत माता की जय का उद्घोष लोगों द्वारा गगनभेदी नारा लगा रहे थे। कड़ी धूप के कारण भी लोग विचलित नहीं हो रहे थे। इस संबंध में रामनवमी पूजा समिति के सचिव कार्तिक पांडे ने बताया कि आज गुरुवार को हम लोग समय निर्धारित के अनुसार मोटरसाइकिल रैली निकाल कर रंका प्रखंड के गांव में मोटरसाइकिल जुलूस भगवा झंडा तिरंगा झंडा के साथ जुलूस निकाले हैं और गाँव-गाँव में लोगों को रामनवमी पूजा के भंडारे में आने के लिए निमंत्रण दिया गया। उन्होंने बताया कि हम लोग अपने धर्म के साथ साथ राष्ट्रहित के बारे में भी सोचते हैं, इसी कारण भगवा झंडा के साथ तिरंगा झंडा भी लेकर चल रहे थे। उनके साथ में रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष विवेक चौधरी एवं सैकड़ों सदस्य मोटरसाइकिल जुलूस में उपस्थित थे। श्री रामनवमी पूजा समिति का यह जुलूस मोटरसाइकिल जुलूस पूरे गाँव का भ्रमण करता है। हम लोग यहाँ से रघुनाथ अखाड़ा से निकल करके हनुमान मंदिर बजनवा पहुँचे, उसके बाद वहाँ से आकर के रवदा खुरा कंचनपुर छोटकी रंका होते हुए और हुरदाग अखाड़ा के पास जा करके वहाँ से सोनदाग होते हुए और सलिया बरबिगावा होते हुए हम लोग का जुलूस का समापन श्री रघुनाथ अखाड़ा में होता है। वास्तव में हम लोगों का जो मूल उद्देश्य होता है वह होता है हमारा धर्म से पहले हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे जुलूस में आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमारा धर्म ध्वज से पहले तिरंगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा राष्ट्र हमारा देश सर्वोपरि, उसके बाद हमारा धर्म है। तो हम धर्म की भी जय करते हैं और उससे पहले हम राष्ट्र की जय जयकार करते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद।